अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। ये कहानी उस सिवान की है जिसने शहाबुद्दीन को बिहार के राजनीति में एक पॉलिटिकल गैंगस्टर, एक बाहुबली नेता का नाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं biojara.com का यूट्यूब चैनल। ये बात है 16 अगस्त 2004 की। बिहार के सिवान जिले में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू अपनी पत्नी, बेटी और चार बेटों के साथ रहा करते थे। उनकी मुख्य बाजार में दो दुकानें थीं, एक किराने की थी और दूसरी थी परचून की। एक दुकान पर उसका बेटा सतीश बैठता था और दूसरे पर गिरीश। कुछ लोग हमेशा की तरह उस दिन भी चंदा बाबू से रंगदारी मांगने के लिए आए, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। वही लोग उस दिन उनके किराने की दुकान पर जा पहुंचे। दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा था। उन लोगों ने सतीश से रंगदारी के 2 लाख रुपए मांगे। सतीश ने 30-40 हजार रुपए तक देने की बात कही थी। रंगदारी वसूलने आए लोग हथियार बंद थे और दिखने में उग्र लग रहे थे। उन लोगों ने सतीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। दुकान के गल्ले में जो रकम रखी थी वो भी निकाल कर वो लोग ले गए। बाद में पता चला यह रकम 2 लाख से भी ज़्यादा की थी। बगल के ही दुकान पर बैठा उसका बड़ा भाई गिरीश भी वहां आ गया। वो भी सब कुछ देख रहा था। पिटने के बाद सतीश घर में गया और बाथरूम और टॉयलेट साफ करने वाला एक तेजाब एक मग में लेकर आया और फिर सारा तेजाब उस रंगदारी वसूलने आए गुंडों के ऊपर फेंक दिया। तेजाब के छींटे उसके भाई राजीव पर भी पड़े, लेकिन इससे उसको कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई और फिर लोग जमा हो गए। इतनी बात तो हो गई थी, लेकिन अब बदमाश चुप बैठने वाले नहीं थे। बदमाशों पर तेजाब डालने के बाद जो बाकी हथियारबंद लोग थे वो सतीश और उसके भाई गिरीश को पकड़कर ले गए और उसी वक्त उनकी दुकानों में आग लगा दी। उनका छोटा भाई राजीव इस पूरी वारदात को कहीं से छिपकर देख रहा था और उस समय उसको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में वो भी बदमाशों के हाथ लग गया। फिर दोनों भाइयों को एक जगह बांध दिया गया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को एक जगह बांधा और छोटे भाई राजीव को अलग रस्सी से दूसरी जगह। फिर राजीव की आंखों के सामने ही सतीश और गिरीश के ऊपर तेजाब से भरी बाल्टी उड़ेल दी। राजीव की आंखों के सामने ही सतीश और गिरीश को तेजाब से जलाकर मार डाला गया। उसके बाद दोनों की लाश को टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिए, जो कभी बरामद ही नहीं हो सका। इधर घर का चिराग उजड़ चुका था और उधर चंदा बाबू को इसकी खबर तक नहीं थी। जिस दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन सतीश और गिरीश के पिता चंदा बाबू अपने भाई के पास बिहार की राजधानी पटना गए हुए थे। इस घटना की खबर पूरे सिवान में आग की तरह फैल गई, क्योंकि किसी को तेजाब से नहलाकर मार देना कोई आम घटना तो थी नहीं। फिर किसी भले आदमी ने पटना में चंदा बाबू को फ़ोन करके कहा कि वह सिवान नहीं आए, अगर आए तो संभव है कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। उस समय वर्चस्व शहाबुद्दीन का वैसा वर्चस्व था कि हिंदू के हर दुकान में कैलेंडर बटवाए गए। भगवान को जैसे अगरबत्ती दिखाते हैं, उनको अगरबत्ती दिखाइए। जिस दुकान में कैलेंडर नहीं है, शहाबुद्दीन का फोटो नहीं है, उसमें ताला बंद। इस दौरान राजीव बदमाशों की कैद से किसी तरह भाग निकला। वह किसी तरह से गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर में छिपकर चैनपुर जा पहुंचा। वहां से वो उत्तर प्रदेश के परनौना जा पहुंचा, जहां उसने बीती घटना का हवाला देकर स्थानीय सांसद के घर पर शरण ले ली। तभी पटना में रह रहे चंदा बाबू को यह खबर मिली कि उनका बेटा राजीव भी छत से गिर गया है और बुरी तरह घायल है। हालांकि यह गुंडों के द्वारा फैलाया गया एक अफवाह था और इस अफवाह के पीछे मंशा यह थी कि किसी तरह से चंदा बाबू वापस सिवान में लाया जाए। इस पूरी घटना के दौरान चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियां और एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़कर जा चुके थे। जब चंदा बाबू उम्मीद की किरण लेकर वापस सिवान आए और मदद के नाम पर मिली सिर्फ ठोकरें। जैसे तैसे हिम्मत करके चंदा बाबू सिवान तो आ गए। उन्होंने वहां एसपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एसपी से मिलने नहीं दिया गया। दरोगा ने उनसे कहा कि वो तुरंत सिवान छोड़ दे, लेकिन चंदा बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और वो पटना के एक बड़े नेता से मदद मांगने पहुंचे, लेकिन नेता ने भी पल्ला झाड़ लिया। दूसरी तरफ उन गुंडों ने चंदा बाबू के भाई को भी धमकी दी, जिसकी वजह से वो डरकर पटना छोड़कर मुंबई चले गए। इसके बाद चंदा बाबू पटना में ही रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनका बेटा राजीव जिंदा है। चंदा बाबू किसी तरह सोनपुर के एक बड़े नेता से मिले। नेता ने उन्हें मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ ना हो सका। फिर चंदा बाबू दिल्ली आए और वहाँ उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, लेकिन यहाँ भी सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला। निराश होकर चंदा बाबू फिर से डीआईजी एके बेग से मिलने पहुँच गए। डीआईजी एके बेग उनकी बात सुनकर एसपी को फटकार लगाई और उन्हें सुरक्षा देने के लिए कहा। उसके बाद चंदा बाबू को सुरक्षा मिल गई और वह सिवान वापस आ गए। लेकिन उन बदमाशों के दहशत का आलम ऐसा था कि चंदा बाबू का डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
इतनी सारी घटना हो गई, नेता, पुलिस, कस्टडी हर जगह, लेकिन आखिर कौन था इसके पीछे जो सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहे थे? इस भयानक और दर्दनाक घटना के पीछे नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक बाहुबली नेता है और घटना के समय वह सिवान पर एक छत्र राज कर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बस एक शब्द मात्र बनकर रह गई थी। हफ्ता वसूलना और दादागिरी करना उनका शगल बन गया था। ऊपर से उसे लालू प्रसाद यादव का संरक्षण भी प्राप्त था, जिसके कारण चंदा बाबू को न्याय के लिए दर दर भटकना भी पड़ रहा था। यही था उस दौर में बिहार का विकास, जिसे मीडिया द्वारा जंगल राज का नाम दिया गया। 2004 में तेजाब कांड के नाम से मशहूर सनसनीखेज हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि तब बिहार में लालू की सरकार थी और राबड़ी देवी वहां की मुख्यमंत्री। लेकिन अब आ गया था साल 2005 और अब बिहार में सत्ता का परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार की सरकार आ गई थी और अब शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया था। उसी साल शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तभी से ही शहाबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया। अब तक इस घटना को लगभग 10 साल होने को आ गए थे। कुछ दिनों बाद राजीव की शादी हो गई, मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी के 18वें दिन ही 16 जून 2014 को राजीव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीव अपने भाइयों की हत्या का अकेला चश्मदीद गवाह था। इस बाबत राजीव पहले भी कोर्ट में अपना बयान दे चुका था, तब भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। चंदा बाबू ने थाने में राजीव की हत्या का FIR लिखवाया। उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन पर उनके बेटे पर गोली से मरवाने का आरोप लगाया। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने इस बीच कई मामलों में सजा सुनाई थी। उनके खिलाफ 39 हत्या, रंगदारी और अपहरण के मामले दर्ज थे। 38 में शहाबुद्दीन को जमानत मिल चुकी थी। 39वां केस राजीव का था, जो अपने दो सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था, मगर 2014 में उसकी हत्या के साथ ही शहाबुद्दीन की जमानत का रास्ता साफ हो गया था और आखिरकार 11 साल बाद शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और अब फिर वापस वो तिहाड़ जेल में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहा है। रही बात चंदा बाबू की, तो उस अपनी पत्नी और विकलांग बेटे के साथ सिवान में ही रह रहे हैं, परिस्थिति से लड़ रहे हैं और कानून व्यवस्था में भरोसे के नाम पर अपने दिवंगत बेटों के गम का आंसू पी रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी 2004 में हुए सिवान के तेजाब कांड की, जिसका मुख्य आरोपी था शहाबुद्दीन। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छूते हैं।